सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीवी एडिटिंग के कुछ सीक्रेट्स के बारे में, जिनको जानने के बाद आप लोग भी काफ़ी कम टाइम में अपने फ़ोटो को सीवी एडिटिंग पे एडिट कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पर रोज वीडियो अपलोड होते रहती है। तो चले गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप लोग भी कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड को ओपन कर लेना अपने इस एप्लीकेशन के अंदर। एंड यहां से हम चलते हैं अपने इनपुट इमेज पे एंड यहां से हम जाके अपने फ़ोटो को ऐड कर लेते हैं। सो आप लोग जिस फ़ोटो को ऐड करना चाहो वो फ़ोटो को ऐड कर लेना। सिंपली मैं अपने मॉडल को ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज़, मैंने ऑलरेडी इरेज करके रखा हुआ है, अगर आप लोगों को नहीं आता करते तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया है उस वीडियो का लिंक, जाके देख सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूँ कि कैसे करना है आप लोगों को इरेज। सो अपने फ्रेम पे रख के इसको सिंपली डन कर देंगे। एंड डन करने के बाद गाइज, अब हमको क्या करना होगा, तो थोड़ा सा हमको फेस स्मूथ करना है। तो यहाँ से हम ब्रश पर चलते हैं एंड ब्रश पर जाने के बाद हमको यहाँ से स्मज वाला ब्रश ढूँढ लेना है। सो मैं अपने स्मज वाला ब्रश ढूंढ लेता हूँ एंड इसके अंदर से ये वाला ब्रश ले लेता हूँ। एंड इसकी सेटिंग्स देख सकते हो, तो साइज़ अपने हिसाब से रख लेना। मैं 30 रखता हूँ, 30% के आसपास। एंड इतना करने के बाद हमको कुछ इस तरीके से फ़ोटो को जूम करना है। एंड जूम करने के बाद गाइस, यहाँ से साइज़ आप अपने हिसाब से रख लेना। सो आप लोगों को कुछ इस तरीके से पेंट करना है अपने फेस पे। सो गाइज़, इतना करने के बाद आप लोग भी अपने हिसाब से कर लेना अपने फेस को स्मूथ। एंड अब हम लेयर वाले ऑप्शन पे चलते हैं यहाँ से। एंड लेयर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे एंड इसी वाले लेयर पे एक बार फिर से हम क्लिक करेंगे। एंड करने के बाद इसका ब्लेंडिंग पे चलेंगे एंड इसका जो है इस यहाँ पे आप लोगों को रखना है सॉफ्ट लाइट, ये वाला देख सकते हो। एंड बैक आ जाएंगे, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ इसको। एंड कट करने के बाद गाइज, अब आप लोगों को ब्रश ले लेना है। तो ब्रश के लिए हम लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं। सो लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद गाइस, यहाँ से अब आप लोगों को ये वाला ब्रश ले लेना है। लग्जरी पे जाके ये वाला ब्रश ले लेना है। सो लेने के बाद सेटिंग्स देख सकते हो आप लोग। एंड इतना करने के बाद गाइस आप लोग को कलर पे चलना है। एंड कलर पे जाने के बाद यहाँ से हम कॉपिक पे आ जाते हैं। एंड कॉपिक पे आने के बाद यहाँ से हमको ये वाला सिंपली कलर ले लेना है। एंड यहाँ से ये वाला YR वाला ले लेते हैं हम, फर्स्ट वाला। एंड इतना करने के बाद गाइस, हमको फेस को कुछ इस तरीके से जूम करना है अपने फ़ोटो को। एंड करने के बाद साइज़ अपने हिसाब से आप लोग रख लेना है। एंड कुछ इस तरीके से हमको पेंट करना है अपने फेस पे। सो इसको भी हम पूरे फेस पे अप्लाई कर लेते हैं। सो गाइज, जैसे कि देख सकते हो हमने अप्लाई कर लिया पूरे फेस पे। एंड अब हम लेयर वाले ऑप्शन पे चलते हैं एंड यहाँ से इसी लेयर पे फिर से हम क्लिक करेंगे। एंड इसकी ओपेसिटी यहाँ से आप लोग जितना फेस का ब्राइटनेस रखना चाहो रख सकते हो, तो मैं कुछ अपने हिसाब से इतना रख लूँगा, कट कर दूंगा। एंड कट करने के बाद फिर से हमको एक लेयर ले लेना है प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके। लेने के बाद इसी लेयर पर क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग पर चल के इसको हम सॉफ्ट लाइट रख देंगे। तो इसको मैं यहाँ से ये सॉफ्ट लाइट रख देता हूँ। एंड सॉफ्ट लाइट रखने के बाद गाइज, हमको क्या करना है, ब्रश पे चलना है। एंड ब्रश पे जाने के बाद हमको सबसे ऊपर में ये वाला एयर ब्रश ले लेना है हमको। एंड लेने के बाद गाइज, इसका सेटिंग्स का फ्लू जो है इसको 50% रखना है आप लोगों को, ओके। एंड इतना करने के बाद गाइज, अब आप लोगों को कलर पे चलना है एंड ये वाला ही कलर ले लेना है, यही रहने देना है सिंपली। एंड करने के बाद गाइज, आप लोगों को कुछ इस तरीके से अपने ऊपर पेंट कर लेना है। सो पीछे थोड़ा सा लाइटिंग आने के लिए, लाइट मतलब आएगा थोड़ा सा, इसलिए इसको मैं पीछे पेंट कर लेता हूँ हल्का हल्का सा। एंड अब हमको क्या करना होगा, लेयर पे चलूँगा फिर से मैं। एंड जाने के बाद गाइज, इसको सिंपली ये वाला जो लेयर है ना, इसको पकड़ के सिंपली नीचे की तरफ ले आएंगे हम मॉडल के। एंड लाने के बाद अब सही लग रहा है, थोड़ा पीछे ब्राइट लग रहा है हमारा थोड़ा सा। तो इतना करने के बाद गाइज,
यही था हमारा आज का एडिटिंग, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। सो गाइस, सीवी एडिटिंग सब यहीं से होते हैं, सो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।